शादी एक जिंदगी और मौत के बीच का खेल है। अगर हम सफर अच्छा मिल जाए तो जिंदगी मिल जाती है, और अगर हम सफर बुरा मिल जाए तो मौत मिल जाती है। अगर आप एक फीमेल हैं, चाहे आप एक सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर आप मैरिड हैं, भूले से भी अपने पार्टनर की यह तीन बातें आपको कभी नहीं माननी है, बेशक चाहे भले ही रिश्ता तोड़ना पड़े। तो कौन सी है वो तीन बातें, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहली बात, अगर कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो ये कह रहा है कि दो लोगों में से किसी एक को चुनना है, चाहे आप अपने माँ बाप को चुनो या सामने वाले व्यक्ति को चुनो, तो ऐसी सिचुएशन में कभी भी अपने माता पिता को छोड़ने की भूल मत कीजिएगा। इस बात को कभी भी मत भूलिएगा कि ये जो ब्रह्मांड है, इस सुंदर ब्रह्मांड में एक रिश्ता जो माता पिता का है वही पवित्र होता है, जो हमसे अनकंडीशनल लव करते हैं। हजार कमियों के बावजूद भी हम उन्हें स्वीकार होते हैं। सामने वाले व्यक्ति का प्रेम आज है, कल नहीं होगा, और वही व्यक्ति होगा जो कल आपको कहेगा कि जो अपने माता पिता की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी। इसलिए गलती नहीं करना है और अपने माता पिता का स्थान सर्वोपरि रहना चाहिए। दूसरा, अगर आप सीरियस रिलेशनशिप में हैं, अगर आपका लवर है, पार्टनर है, वो कहता है मुझे तुम्हारी याद आ रही है, और फिर बातों ही बातों में कहता है कि अपनी न्यूड फोटो मुझे दे दो, और आप मना करती हैं, इसके बाद वो आपको इमोशनल ब्लैकमेल करता है कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या, अगर ऐसा है तो मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगा। तो बेशक रिश्ता टूट जाए, लेकिन इस तरह की फोटो शेयर नहीं करना है। एक और बात जो इम्पोर्टेंट है कि अगर आप साथ में हैं, एक दूसरे के साथ इंटीमेट है, उस वक्त आपका पार्टनर कहता है कि मुझे इस सिचुएशन की फ़ोटो शूट करने दो यादगार के लिए, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। उस चीज़ का आप भरपूर विरोध कीजिए, चाहे रिश्ता टूटे या बचे, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो आज आपका मंगेतर है या आपका हस्बैंड है, कल आपके साथ सिचुएशन क्या होती है, और वो इस चीज़ का आपके खिलाफ़ गलत इस्तेमाल करे, और जो आपकी आज प्राइवेसी है उस चीज़ का इस्तेमाल करके कल वो आपको ब्लैकमेल करे या आपको कोई धमकी दे। इसलिए आप उसे बिल्कुल मना कीजिए, पूरे विश्वास के साथ मना कीजिए, बिल्कुल डर और संशय नहीं रखना है। रिश्ता टूट जाने का डर बिल्कुल नहीं रखना है। अगर आपका चरित्र अच्छा है तो आपको हजारों लड़के मिलेंगे। एक और चीज़ होती है जो काफ़ी मुझे सुनने को मिली है, काफ़ी लोगों से मेरी बातचीत होती है, इसीलिए यह वीडियो मैं आज आप लोगों के लिए बना रही हूँ, कि कभी कभी हस्बैंड ऐसे होते हैं कि इंटीमेट होने के वक्त में जब अपने पत्नी के साथ होते हैं, वह उन्हें प्रताड़ित करते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति सिगरेट से जला रहा है या दर्द दे रहा है, उसके चीखने और चिल्लाने से उसे आनंद आता है, उसको प्लेजर देती है। तो अगर आप यह सब सह रही हैं, किसी से मैंने बात किया और मैंने पूछा कि जब आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप ऐसा क्यों सह रही हो, तो उसका जवाब क्या था आपको पता है? उसने कहा अगर मैं यह सब नहीं सहूंगी तो शायद मेरा रिश्ता टूट जाए या मेरा हस्बैंड किसी और के पास न चला जाए। तो यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है कि जो इंसान अपनी अर्धांगिनी के साथ ऐसी दरिंदगी कर रहा है, क्या वो हजार जगह मुँह नहीं मारता होगा, जिसके अंदर इतनी भी इंसानियत नहीं है कि वो किसी को दर्द दे के प्लेजर महसूस कर रहा है। तो ऐसे इंसान के लिए एक बात आप समझ लें कि ये जो सुंदर मानव शरीर आपको मिला है ना, ये आपको मुक्त बनाने के लिए है, नर से नारायण होने के लिए है, और आपकी यात्रा सिर्फ मुक्ति की ओर होना चाहिए, ना कि बंधनों की ओर। और ये आपके जीवन का सबसे बड़ा बंधन है, आपका डर जो आपसे गुलामी करवा रहा है, जो आपको हर चीज़ सहने पे मजबूर कर रहा है। और एक पत्नी के रूप में आपकी जिम्मेदारी है घर को संवारना, पति को प्रेम करना और सम्मान देना, लेकिन हवस प्राप्ति और हवस पूर्ति के लिए आप नहीं बनी हैं। इस बात को भली भांति आप समझ लें, इतना सामर्थ्य और साहस जुटाएं और ऐसे भैंसी दरिंदे से मुक्ति पाएं। कोई एक्सक्यूज नहीं देना है कि वो मुझे छोड़ के चला जाएगा या वो किसी और के साथ चला गया, तो कुछ भी नहीं सोचना है, क्योंकि आपके इस सुंदर जीवन को सिर्फ आपको संवारना है, इस तरह से व्यर्थ नहीं करना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये मेरी जो बातें हैं ये महिलाओं को समझ में आ रही होंगी, लड़कियों को समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही है और आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहती हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आप जैसी बहुत सी महिलाएं हैं जो ऐसी ज़िंदगी जी रही हैं, उनको आपसे प्रेरणा मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम अपने वीडियो में लूँ तो आप वीडियो में कमेंट करें अपना नाम और अपने शहर का नाम, मैं अपने अगले वीडियो में आपका नाम ज़रूर लूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप YouTube वीडियो देख देख कर थक चुके हैं, लेकिन आपके जीवन में जो रिलेशनशिप से रिलेटिव प्रॉब्लम है, लाइफ से रिलेटिव प्रॉब्लम है, वो सॉल्व नहीं हो पा रही है, जैसे कि आपका ब्रेकअप हो गया है लेकिन आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया, या फिर आपके रहते हुए किसी और के साथ अफेयर चला रहे हैं, आपके पार्टनर ने आपको इमोशनली हर्ट किया है, आप अपने पार्टनर के साथ रहना नहीं चाहते हो लेकिन आपके पास मजबूरी है, कैसे उस मजबूरी को ख़त्म करें? पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे नहीं है, कैसे समझे क्या किया जाए कि आपके संबंध अच्छे हो जाएं? आपकी लव लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है। आप इसके लिए YouTube वीडियो पर आते हैं, लेकिन YouTube वीडियो देखकर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, आपकी समस्या का समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, तो हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे वेबिनार में। वहां पर हम समझेंगे कैसे समस्या का समाधान किया जा सकता है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, कैसे आपके संबंधों को मजबूत किया जा सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि वेबिनार में आने का चार्ज बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, चार्ज बहुत ही मिनिमम, समझ लीजिए आपकी एक कप चाय के बराबर। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, नीचे दिए गए हमारे फॉर्म को फिल कीजिए और हमारे साथ वेबिनार में ज्वाइन हो जाइए।